नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। सैनी कोतवाली प्रभारी का कमरे में मिला शव, पुलिस जांच में जुटी। यूपी के कौशाम्बी जिले के सैनी कोतवाली में तैनात इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार सिंह का कमरे के भीतर शव मिलने से हड़कंप मच गया। सुबह सिपाहियों ने इंस्पेक्टर को कमरे में मृत देखा तो हड़कंप की स्थिति बन गई। सिपाहियों ने उच्च अधिकारियों को घटना की जानकारी दी। सूचना पर एसपी अभिनंदन, एएसपी समर बहादुर सिंह, सीओ सिराथू रामवीर सिंह तत्काल मौके पर पहुंचे। तत्काल इंस्पेक्टर को जिला अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक इंस्पेक्टर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। इंस्पेक्टर की अचानक मृत्यु हो जाने से पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ गई है। एसपी अभिनंदन ने बताया कि उनकी तबीयत पिछले कई दिनों से खराब चल रही थी। उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम के बाद आगे की विविध कार्यवाही की जाएगी। खबर जगत के लिए एलन सिंह की रिपोर्ट। ये जनपद कौशाम्बी के थाना सैनी के प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार सिंह आज सुबह उनके घर में, वहाँ जो लोग गए तो उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला, तो उसके बाद उनके घर का दरवाज़ा को तोड़कर हम लोग अंदर गए तो वहाँ वो अचेत अवस्था में थे, कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। उनको भिजवाया गया तत्काल अस्पताल, वहाँ उन्हें ब्रॉड डेड घोषित किया गया। उनका पोस्टमार्टम भी करा दिया गया है, उसमें मृत्यु का कारण ड्यू टू हार्ट अटैक आया है। उनकी तबीयत भी कुछ गड़बड़ रहती थी, बाकी आगे की जो विधिक कार्रवाई है वो सब हम लोग करा रहे हैं इसमें।